अनुपम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ चिकन स्टू, जो बिल्कुल मैं डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ आज आप लोगों के लिए। इंग्रेडिएंट्स हम पहले स्टार्ट करते हैं। ये है हरी मिर्च, हरा धनिया, ये गार्निश में भी ऐड होनी है और सालन के अंदर भी ऐड होगी हमारे। ये पिसी हुई हरी मिर्च है, मैंने आपको दिखाई थी। ये चॉप किया हुआ अदरक लहसुन है, 3 टेबल स्पून दही है, ये देखें गरम मसाला, पूरा गरम मसाला है, 4-5 काली मिर्च है, 2 बड़ी इलायची है, सफ़ेद ज़ीरा, काला ज़ीरा, लौंग है, पिसा हुआ गरम मसाला है, नमक है, और ये प्याज जो है मैंने लिए 1/2 चिकन kg है, और मैंने प्याज इसमें दिए थोड़े 4 दरमियाने साइज़ के मैंने प्याज दिए, क्योंकि आपको पता है स्टू के लिए थोड़ा सा ज़्यादा मतलब प्याज चाहिए होता है, और हम बिल्कुल वाइट स्टू बनाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने ऑयल डाला हुआ था, गरम किया, ऑयल हमारा अच्छे तरीके से गरम हो चुका है, अच्छे तरीके से। अब मैंने इसमें साबुत गरम मसाला डाला है, सिंपल। ये चॉप किया हुआ अदरक लहसुन, जैसे हल्की सी खुशबू आएगी गरम मसाले की, अदरक लहसुन की, जैसे ही थोड़ा सा सौते होगा मैं उसमें प्याज ऐड कर दूंगी। फ्लेम मैंने हाई फ्लेम किया हुआ है, ये देखें प्याज सारी जाएगी इसके अंदर। सर्दी, जैसे कि आप लोगों को पता है आगे सर्दी आ रही है, ठंड स्टार्ट हो रही है, तो सर्दी के लिए मेरे पास आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त तोहफा है, जो इंशाल्लाह ताला मैं जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत इजी और बहुत क्विक है, सब तकरीबन बनाते होंगे, लेकिन यूज़ करने का ज़रूर उनको होना चाहिए कि सर्दियों में उसको लाजमी यूज़ करें। देखें बस प्याज हमारी सौते हो गई है, हमें इसी स्टेज पर मैं इसके अंदर चिकन ऐड करूँगी। सारे मसाले में एक साथ इसके अंदर ऐड कर दूंगी दही, किसी हरी मिर्च, वो भी आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा कम कर सकते हैं, जो जितनी तेज़ मिर्च पसंद करता है वो तेज़ मिर्च कर ले, जो कम चाहता है कम करे। ये देखें मैंने इसको 1.5 स्पून लिया है, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ गोल वाली लाल मिर्च, सॉल्ट इसी स्टेज पर हम डालेंगे, और 3 टेबल स्पून जो है ये दही है। बहुत यम्मी सी डिश है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें डाल दूँ दही, 3 टेबल स्पून मैंने लिया, आप कम ज़्यादा दोनों चीज़ें कर सकते हैं, मैंने 3 टेबल स्पून लिया। ये देखें अच्छे से मैश कर, इसी दही के पानी में हमने चिकन को भुनाना है, मैं बिल्कुल और पानी नहीं डालूंगी इसके अंदर। ये देखें इसी पानी के हमें अंदर चिकन को गुला लेंगे, प्याज गल जाएगी, सारे मसाले मैंने एक साथ डाल दिए हैं, फ्लेम मैं लो करूंगी, लो फ्लेम पे इसको हम पकने देंगे। ये देखें व्यूअर्स, आपके सामने मैंने सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर दी थी, दही, ये गोल वाली लाल मिर्च, सारी चीज़ें ऐड करके, नमक ऐड करके, अब ये हमारी बिल्कुल फाइनल भुनाई पर है, और भुनाई करके इसकी मैं आप निकालूंगी इसको। ये देखें प्याज भी घुल गई है ऑलमोस्ट हमारी, आप किसी भी शेप की प्याज ले सकते हैं, मैं चॉपर में चॉप कर लेती हूँ, मुझे सहूलत लगती है कि तो जल्दी से घुल जाती है, ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है, इससे सबसे बड़ी प्लस पॉइंट जो होता है इससे ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है, आपने जिस शेप में चाहे प्याज लेनी हो आप ले सकते हैं। और मैंने थोड़ा सा भी नमक इसमें और ऐड किया था, मुझे नमक कम लग रहा था, और हमारे यहाँ ज़्यादातर ये नाश्ते में खाई जाती है, जो कि बहुत
खस्ता रोगनी, जिसको हम खस्ता पराठे कहते हैं, रोगनी पराठे हमारे यहाँ उसको, हमारे ससुराल में उसको खस्ता पराठे कहते हैं, तो मैं जिसको खस्ता ही कहती हूँ, बड़े खस्ता से करारे से होते हैं वो पराठे। उसकी भी रेसिपी किसी दिन मैं शेयर करूँगी आपके साथ इंशाल्लाह ताला। पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, भूलिएगा मत, और दुआओं में याद रखिएगा। व्यूवर्स, मेरा स्टूथ रेडी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। कमेंट्स में मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप लोगों ने ट्राई किया या नहीं किया, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।